डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक यदि आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं यूजीसी नेट सीरीज को स्पेशली तो आपको पता होगा कि हम लोग पार्ट टू में अभी हैं और कोशिश हमारी ये जारी है कि जितने अभी तक यूजीसी नेट के पेपर आए हैं करीब 26 सिक्स साइकिल उसको पार्ट पार्ट वाइज जैसे ये पार्ट टू है और उसमें भी थीम वाइज डिवाइड करके जैसे अभी इंडियन पॉलिटी हम लोग देख रहे हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस रेंज के क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए जिससे कि बेस्ट वे में प्रिपरेशन किया जा सके उस क्रम में हम लोग पहुंच गए हैं पार्ट टू इंडियन पॉलिटी जो कि लास्ट थीम पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस है इसके बाद, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पार्ट थ्री तो आपका इसमें स्वागत है और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये यूजफुल होगा सभी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए स्पेशली पीजी एंट्रेंस टेस्ट क्योंकि काफी क्वेश्चन यूजीसी नेट के उसमें रिपीट होते हैं जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, अदर जो एग्जाम है जिसमें पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पे एग्जाम होती है वो, वो सब के लिए ये काफी यूजफुल है तो अस बिगिन यूजीसी नेट थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस पार्ट टू इंडियन पॉलिटी ये सिलेबस है मैं इसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं मैंने केवल दे दिया है आप पढ़ लीजिएगा और सिलेबस को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए इस सिलेबस का एक दूसरा पार्ट भी है जो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है लेकिन उसको भी आप इंडियन पॉलिटी का पार्ट मान सकते हैं दोनों में घालमेल है या मिक्स है और कई क्वेश्चन जो है मैंने इधर उधर से भी लिया है तो इसलिए इस सिलेबस को भी आप देख सकते हैं यह भी इंडियन पॉलिटी का पार्ट मान के चलिए अब हम लोग जो है टू जहां पे कि जहां से कि शुरू होती है यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव वहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैंने लिखा नहीं है चलिए लिख देते हैं 2011 ए पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए रीजनल पार्टी इफ अब यहां पहला इसमें एक फॉल्ट uh, है या एरर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार कोई रीजनल पार्टी ऐसी कोई चीज ही नहीं है तीन ही टाइप की पार्टी होती है एक है नेशनल पार्टी दूसरी है स्टेट पार्टी और तीसरी है रिकॉग्नाइज या रजिस्टर्ड पार्टी यहां पे इन्होंने रीजनल पार्टी शायद स्टेट पार्टी को मान के किया ऐसा मान लीजिए वैसे ये एरर है पार्ट ऑफ यूजीसी नेट इसमें भी जो इन्होंने ऑप्शन दिया है उसमें बहुत सारे इसमें कंडीशन है उन्होंने एक कंडीशन लिया है जो मैंने यहां सारे कंडीशन दे दिए हैं ऑफकोर्स ये विकीपीडिया से ली गई है कि उसमें से एक ऑप्शन है कि 6 परसेंट वैलिड वोट मिलना चाहिए या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में या लोकसभा में लेकिन उसके साथ कंडीशन भी जुड़ी हुई है एंड के साथ कि एक सीट लोकसभा में जितना है दो सीट असेंबली में तो ये यहां पे सिक्स परसेंट वाली जो है आइदर इन लोकसभा और स्टेट असेंबली इसको आप चुन सकते हैं लेकिन अब मेरी सलाह होगी कि स्टेट पार्टी के रिकॉग्निशन के लिए जो शर्तें हैं वो पूरी आप जान लीजिए इसी तरह से जो नेशनल पार्टी की जो शर्तें हैं वो भी जान लीजिए यहां पे ये भी जान कि नेशनल पार्टी इंडिया में सेवन है वैसे आठवीं जो है एनपीपी पर है नॉर्थ ईस्ट में बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं तो उन्होंने आहरता प्राप्त कर ली है लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन के साइड पे सेवन ही नेशनल पार्टी दिखते हैं तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी चाहिए यहां मैंने जो है कलर कोडिंग की हुई है ये इजी है मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ये मीडियम है वायलेट कलर से और रेड कलर में भी दो है मैरून जो है वो टफ है लेकिन इन या बकवास क्वेश्चन नहीं है जो रेड से है वो अर्बिट क्वेश्चन है बाउंसर है आप उसको इग्नोर ही करें तो बेटर है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड ये एक बहुत आसान क्वेश्चन होता है आपको थोड़ा बहुत जो है स्टेट रिओग्नेशन के सभी स्टेट का याद रखना है लगभग जैसे यहाँ पे देखिए कि गोवा से बाद में कोई नहीं बना है क्योंकि ये 1987 में बना है गोवा अरुणाचल प्रदेश तो आप यहां देखिए कि सबसे लास्ट में वन से जो शुरू होती है ये होती है एंड जो पहली इन सब में जो बनी है वो हरियाणा से पहले मुझे नहीं लगता है बनी है क्योंकि ये 1966 में है पंजाब हरियाणा अलग हुआ है और उसके बाद सेवेंटी है जिसमें हिमाचल प्रदेश अलग हो जाता है पंजाब से और सिक्किम जो है 1975 में इंडिया का पार्ट बनता है स्टेट के रूप में तो आप इसको मैच कर सकते हैं यदि आप देखें तो थ्री से शुरू होता हुआ केवल एक ही है तो इजी या मीडियम कह लीजिए अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर इन विच दूस द तो अब यहां पे ये क्वेश्चन इसलिए इतना आसान हो जाता है कि इस बुक का आपको कोई डेट वेट याद नहीं रखना है केवल कॉमन सेंस यूज करना है गांधी जी ने लिखा था माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ आपको लगता सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आजाद ने लिखा है जो दो, दो पार्ट में पब्लिश हुई थी तो कोई भी एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से पहले नहीं हो सकता और ये एक ही ऑप्शन है जो से शुरू होता है इससे आसान क्या हो सकता है जस्ट यूज द ट्रिक एंड कॉमन सेंस यहां मैंने दे दिया है है। का। ये क्वेश्चन इसको आप रख लीजिए। इसलिए मैंने सीधा यहां आंसर जो ऑफिशियल आंसर है दे दिया है इससे आप मैच कर लीजिएगा और जो भी इससे निकाल सकते हैं निकाल लीजिए लेकिन ये क्वेश्चन अर्बिट नहीं है ये इजी क्वेश्चन है बीजेपी की जो जितनी भी नेशनल पार्टी हैं उन सब का फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए बीजेपी 1980 में बनी है वैसे ये बहुत पुरानी पार्टी है 1951 में मुझे लगता है भारतीय जनसंघ बनी थी उसी का एक नया अवतार जो है वो भारतीय जनता पार्टी है तो एक थ्री और एक थ्री से आपको फिफ्टी फिफ्टी गेम हो जाता है मंडल कमीशन आपको पता है जो एक्सेप्ट हुई थी 90 में हुई थी उसको बीपी सिंह ने प्राइम मिनिस्टर लागू किया था तो बी का, का बाकी आप देख लीजिएगा मैच कर लीजिए बहुत ही आसान है क्योंकि फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन में हुई थी तो एक ही बच जाता है अब हम लोग पहुंच गए हैं जून 2012 पेपर टू में उस समय में दो पेपर होते थे आपको अब ये पता होगी यदि आप फॉलो कर रहे हैं हु द इंडियन नेशनल कांग्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंड मेड इट ए मास कैडर पार्टी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है गांधी जी को छोड़कर जिन्होंने उसको मास पार्टी बनाया कैडर पार्टी बनाया कॉन्स्टिट्यूशन दिया नहीं तो उसके पहले ये एक तरह से बॉर्जोजीज पार्टी थी जो अर्बन एरिया में मुंबई और कलकत्ता में रहने वाले जो बैरिस्टर जैसे लोग थे उनकी ये पार्टी थी जनता से कटी हुई थी पंचायती पंचायती राज से जुड़ी हुई आपको सारी बातें याद रखनी चाहिए अब यहां देखिए सादिक अली एल एम सिंघवी पी के थुंगन इसके अलावा जीवी के राव बलवंत राय मेहता अशोक मेहता तमाम जो कमिटी है आप इसको आप जोड़ के देख सकते हैं पंचायती राज से और भी कुछ नाम छूट रहा होगा लेकिन उसमें दिनेश गोस्वामी कमेटी नहीं है जो इलेक्शन रिफॉर्म पे बनी थी वोटर आईडी कार्ड जो आप देखते हैं वो सब उनकी ही रिकमेंडेशन थे इसके अलावा इंद्रजीत गुप्ता कमेटी भी इलेक्शन रिफॉर्म पे बनी है और कुछ और भी कमेटी आप देख लीजिए एग्जाम गाइड में दिया हुआ है सो मीडियम लेवल क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसको मैंने मार्क नहीं किया है ये मीडियम कह सकते हैं यहां पे दो दो स्टेट हैं और ये कहा जा रहा है कि कौन वो हैं जिनका की जो कैपिटल है वो शिफ्ट होता है मतलब दो कैपिटल हैं तो आपको पता है जम्मू कश्मीर तो सभी मेरे स्टूडेंट को पता होगा कि वो जम्मू शिफ्ट हो जाता है जारे में लेकिन महाराष्ट्र भी शिफ्ट करता है नागपुर ये लेस नोन फैक्ट है आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन ऐसा है अब ये है कि ये सीक्वेंस बताना है क्रोनोलॉजी की जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के सबसे पहले कौन अब बल्लभ भाई पटेल से पहले कोई हो सकता है क्या तो वन से शुरू होता हुआ दो ही है तो तीन है चलिए उसके बाद देखिए उसके बाद चौदह मोरारजी देसाई उससे मतलब बहुत पुराने उससे मतलब देवीलाल चरण सिंह से तो पुराने हैं या आप बिना डेट के जान सकते हैं सो so, फोर तो ए के बाद फोर तो इससे ये एलिमिनेट हो गया ये दोनों बचे रह गए उसके बाद आपको पता है कि चरण सिंह देवीलाल से पहले आए हैं तो थ्री तो थ्री तो ये थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि आपको बहुत डीप तक जानना है मतलब सभी जानना है लेकिन फिर भी आसान है अब पेपर थ्री में आते हैं जून 2012 के हु ट्राई टू पीरियड इंडियन पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ द टसल बिटवीन ए डिमांड पॉलिटी एंड ए कमांड पॉलिटी ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है जो रूडॉल्फ है रुडोल्फ दंपति उन्होंने बुक लिखा था इन पर्स्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट उसमें उन्होंने बहुत सारे फीचर्स इंडियन स्टेट के बताए थे इंडियन स्टेट मतलब क्या नेशन स्टेट स्टेट यानी जो सॉवरन टेरिटोरियल इंटिटी जो एक भूभाग पे शासन करती है जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आजादी के बाद इंडियन स्टेट सॉवरन हुई इंडिपेंडेंट हुई उसके साथ जुड़ा हुआ है इंडियन नेशन वो दोनों मिलके बनते हैं इंडियन नेशन स्टेट ऑन द सेम पैटर्न जैसे हम यूरोप और अमेरिका को नेशन स्टेट कहते हैं उसके फीचर पे कई लोगों ने काम किया है इंडियन ऑथर ने भी जैसे सुदीप्ता कविराज हो रजनी कोठारी हो और फॉरेन के भी जैसे मॉरिस जॉन्स हैं और रुडोल्फ ने भी काफी उस पर अपनी बुक जो इन परसूट ऑफ लक्ष्मी पे काम किया है उसमें वो कुछ फीचर बोलते हैं उसमें से एक है कि इंडियन स्टेट इज वीक इज स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टेट इज ए टसल बिटवीन डिमांड एंड कमांड पॉलिटी अब ये डिमांड एंड कमांड पॉलिटी यदि आप और थोड़ा अंदर जाएंगे तो ये इस टाइप का है कि कमांड पॉलिटी वो है जहां पे कि जो स्टेट है वो एक तरह का रोल ओवर करता है उसको जो करना है वो पॉलिटिक्स चलाता है मतलब इट इज सेक्लूडेड फ्रॉम द पब्लिक डिमांड डिमांड पॉलिटी वो है जहां स्टेट रिसेप्टिव है सुनता है रिस्पॉन्सिव है जो डिमांड है पीपुल की उसके बेसिस पे पॉलिटी करता है ये दोनों में फर्क है तो इन दोनों का टसल है मतलब कभी जो है स्टेट कमांड पॉलिटी करता हुआ महसूस होता है कमा कभी डिमांड पॉलिटी हावी होती है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आर लेबल्ड एज यहां पे मुझे लगता है कि इन्होंने गलत किया क्योंकि एफर्मेटिव एक्शन भी इसको बोलते हैं और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं अब ऐसा देना एकदम रॉन्ग है इसको चैलेंज किया जाना चाहिए लेकिन चलिए यहाँ शायद अफर्मेटिव एक्शन ऑफिशियल आंसर है अब ये सुपर अर्बिट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हेडेड बाय राजा धारे एंड नाम देवदाशल मुझे तो इतने दूर तक पता नहीं है लेकिन ऑफिशियल आंसर ने जब बताया तो मुझे पता लगा कि ये दलित पैंथर के ये लीडर है जस्ट जान लीजिए इस तरह क्वेश्चन का आप कुछ नहीं कर सकते यदि यह रिपीट हो जाए तो आप मुस्कुरा सकते हैं लॉयड एंड सुजान सॉ द इंडियन स्टेट एज डज इट मीन ये इंग्लिश का क्वेश्चन है ये पॉलिटिक पोलिटिकल साइंस का नहीं है यदि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होगा कि मॉर्फ मॉर्फस का मतलब होता है जो रूप होता है जैसे मेटामोर्फोसिस जब तितली जो है वो प्यूपा से तितली बनती है तो मेटामोर्फोसिस जाता है यदि आप किसी व्यक्ति को देखे उसका सब कुछ स्वरूप चेंज हो गया है तो वो मेटामॉर्फिस उसको हम बोलते हैं तो पॉली मोरफ पॉली पोली इसका मतलब है जिसका रूप परिवर्तित होता है कई उसके कई रूप हैं सो क्रिएचर ऑफ मैनी फोल्ड फॉर्म्स एंड ओरिएंटेशन ये आप कह सकते हैं इंग्लिश क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया अब ये सब बहुत ही आर्बिट क्वेश्चन है धन ने लिखा लेकिन प्रणब वर्धन के बुक को देख लीजिएगा ये ये बुक काफी पूछा जाता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए अब ये है, जो बनी है, इसको में से है। वेरी दिया है एक को छोड़ करके इसको देख सकते हैं आपकी टेक चंद कमिटी सबसे पहले थी जो थ्री पे है थ्री पे शुरू होने वाला एक ही है तो आप लेकिन यदि आप जानते हैं तो अदरवाइज तो इट्स वेरी डिफिकल्ट लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है ये सुपर इजी है इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता है इसमें इंडिया के प्रेसिडेंट को क्रोनोलॉजिकली सजाना है और राजेंद्र प्रसाद से पहले इंडिया का प्रेसिडेंट कौन हो सकता है फर्स्ट और टू से शुरू होता हुआ केवल एक है अब इससे इजी क्वेश्चन शायद फिफ्थ के भी स्टूडेंट को देगा तो ये बन जाएगी तो लेवल जो क्वेश्चन का है ना वो बैलेंस्ड नहीं है एक सुपर ऑर्बिट एंड सुपर इजी लड्डू क्वेश्चन Which of the following committee recommended block level planning? Again, a difficult question, but not arbit. वैसे ये दांते वाला कमेटी है लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि जी के राव कमेटी ने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की बात की थी पंचायती राज सिस्टम में लागू किया गया ये भी आपको जानना चाहिए एल सिंह भी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की थी पंचायती राज को अब हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2012 पेपर टू विच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ी इशू है इंडियन पॉलिटी में इस पे इंदिरा केस हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और ये हुआ कि जो बैकवर्ड ओबीसी के रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन से लागू हुई थी बीपी सिंह ने किया था उस पे ये एक तरह का फिल्टरिंग की गई एक बंदिश लगाई गई कि जो उसमें वेल well ऑफ है एक पर्टिकुलर एनुअल इनकम से जिस फैमिली की ज्यादा है उनको लाभ नहीं मिलेगा तो इससे थोड़ा सा ये रहा कि वहां पे जो कॉर्नर कर ले जाने की बात थी जो वेल ऑफ पीपल थे बैकवर्ड क्लास में या कास्ट में वो नहीं हो पाए तो ये जो कमीटी थी जो बनी इंदिरा सोनी केस के बाद उसका नाम था जस्टिस रामनंदन कमीटी क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी क्राइटेरिया बदलते रहती है पहले ढाई लाख था अब वो बढ़ गया है who prefer to characterize the indian federalism as bargaining federalism पहले तो ये समझिए कि bargaining federalism का मायने क्या होता है मतलब तो आपको पता है कि फेडरलिज्म को कई तरीके से नेम दिया जाता है जैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ड्यूअल फेडरलिज्म एसिमेट्रिक फेडरलिज्म तो उसमें बार्गेनिंग फेडरलिज्म उस टाइप का है जो मॉरिस जॉन्स कहते हैं अपने बुक में मॉरिस जॉन्स की जैसे मुझे लगता है इस बुक में उन्होंने कहा होगा द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म उस टाइप का है जहां पे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतना रिच है टैक्स के मामले में रिसोर्सफुल है और स्टेट जो है वो वर्कर जैसे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपनी जैसी है तो स्टेट जो है वो बार्गेन करते हैं रिसोर्सेस के लिए संसाधन मतलब टैक्सेस के लिए ग्रांटिंग एड के लिए एंड फॉर मेनी अदर कंसेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू कीप देयर इकोनॉमी गोइंग तो ये जो फेडरलिज्म है इट्स इट्स ए काइंड ऑफ उसी टाइप का सिनेरियो होती है जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है वर्कर एंड एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म के बारे में मॉरिस जॉन्स ने कहा इन्होंने और भी एक दूसरी दी है जो इसी क्वेश्चन में आया है कि 1967 के बाद जो है मार्केट पॉलिटी इंडिया में इमर्ज की मार्केट पॉलिटी वो है जहां पे कि पार्टियों के बीच में उसी तरह का कंपटीशन होता है वोट के लिए जैसे मार्केट प्लेस में जो सेलर होते हैं उनका जो है कंपटीशन होता है

और अभी तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इंडियन पॉलिटी में तो उनको उन्होंने मार्केट आगे क्वेश्चन है यहां पे मैंने मॉरिस जॉन्स के बुक दे दिए हैं जरूर पढ़ लीजिए और इन्होंने जो है रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम कहा था और इन्होंने कहा सिंगल पार्टी डोमिनेंस हु डिस्क्राइब इंडियन पॉलिटिक्स एज पॉलिटिक्स ऑफ स्कार ये मैरिन वेनर ने कहा था ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और इस इंडिया पे काफी ये लिखते हैं साउथ एशिया पे भी लिखते हैं इनका जो फोकस है वो चाइल्ड लेबर माइग्रेशन कॉन्फ्लिक्ट ये सब है मैंने यहाँ दे दिया है आप पढ़ सकते हैं इनकी जो बुक है वो सब देख लीजिए यहाँ पे एक बुक ही उन्होंने लिखी पॉलिटिक्स ऑफ स्कार पब्लिक प्रेशर एंड रिस्पॉन्स इन इंडिया सन ऑफ द भी लिखा है द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया ये सब क्वेश्चन बहुत ही रन ऑफ द मिल अब हो गई है मतलब और इधर मैंने देखा है कि अब ये सब क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते पहले काफी पूछे जाते थे हु द चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन अभी तक हमने मंडल कमीशन की इतनी बार बात कर ली बिंदेश्वरी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ये मधेपुरा नाम के जगह बिहार से आते हैं और ये चेयरपर्सन थे मंडल कमीशन की जिसको कि पहले तो इंदिरा गांधी के टाइम में उसको डस्टबिन में फेंक दिया गया लेकिन बाद में जब आ, बीपी सिंह जो है आ, वो चेयरपर्सन सॉरी प्राइम मिनिस्टर बने तो अचानक उन्होंने जो जो है इट वाज पॉलिटिकल मूव मेनी पीपल से क्योंकि उस समय मंदिर की पॉलिटिक्स हावी हो रही थी लोग कहते हैं कि कमंडल पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए उन्होंने मंडल पॉलिटिक्स का हेल्प लिया बट एनी बीपी मंडल बिकेम वेरी फेमस फॉर बींग चेयरपर्सन ऑफ मंडल प्रसाद मंडल

डिस्प्यूट है स्टेट और सेंटर्स के बीच में तो इन सब का बातचीत के द्वारा निपटारा कर 1990 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अब हम लोग आ गए हैं दिसंबर 2012 पेपर थ्री हु रोट द बुक डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इसके आगे भी है द क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी इन इंडिया ये बहुत फेमस बुक है अतुल कोहली की आप इसको भूल नहीं सकते हैं अतुल कोहली जो हैं ये प्रोफेसर हैं वुड्रो विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड अफेयर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में और इन्होंने काफी इंडिया पे लिखा है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप इन सबको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए इनके बारे में पढ़ लीजिए कई क्वेश्चन ऐसे पूछाएंगे इसमें से कौन सा बुक अतुल कोहली ने नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए

रजनी कोठारी एक तरह से रोमेंटिसाइज करते हैं इंडियन पॉलिटी को वो बहुत क्रिटिकल नहीं है तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बात करते हैं इंक्रीमेंटल डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन इंक्रीमेंटल मतलब जो कि ग्रेजुअल होता है मतलब एक ही आमूल चूल चेंज नहीं है एक तो ये ग्रेजुअल चेंज है मॉडर्नाइजेशन की तरफ और डेमोक्रेटिक वे में ऑल गुड

ए और बी में ऑलवेज यूजीसी नेट में कंफ्यूजन होती है अब यहाँ पे जो है मैंने सीधा आंसर दे दिया है क्योंकि ये सब बुक इतने फेमस है नहीं कि आप इसको जान पाए मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह सकता हूं कि ये एकदम बिल्कुल आपको जानना चाहिए तो पढ़ लीजिए बस ए का तो ए का टू है तो लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पॉल ब्रास ने लिखा है बी का थ्री है पार्टी बिल्डिंग एंड न्यू ने लिखा है सी का फोर हैल्ट बट अगेन वेरी इजी क्वेश्चन आईडिफाई द करेंट करेंट करेक्ट सिक्वेंस इन विच द फॉलोइंग कमिटी वे आर अपॉइंटेड क्यों ये बहुत आसान है uh, क्योंकि ये सब सब पंचायती राज पे है और बलवंत राय मेहता से पहले कोई कमेटी नहीं फॉर्म हुई है, 1957 में ही हो गई थी ये कमेटी बेसिकली तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंक्शनिंग के लिए हुई थी लेकिन इन्होंने अल्टीमेटली जो रिपोर्ट दिया वो पंचायती राज के रिकमेंडेशन थे इसलिए पंचायती राज में आ जाता है सिंह भी कमेटी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बात की जीवी के राव ने जो प्लानिंग कमीशन ने इसको 1985 में बनाया था तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की बात की और अशोक मेहता कमेटी जो 1977 में टू लेवल पी आर के लिए कहा था जो एक्सेप्ट नहीं हुआ और इन्होंने थ्री लेवल कहा था अल्टीमेटली थ्री लेवल हुआ ग्राम लेवल ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तो वन से शुरू होता हुआ चूंकि एक ही है इसीलिए मैंने इसको जो है ईजी लगा है क्योंकि आपको ईयर वर्ड जानना है नहीं अब ये वाली जो क्वेश्चन है ये मैंने एक जगह और ये डुप्लीकेट मैं कर रहा हूं जानबूझ करके ये मैंने किसी और भी शायद इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन या किसी में डिस्कस किया था या आईपीटी में अब यहां पे मुझे चूंकि पता है कि गेल ओमवेट ने जिनका हाल में ही डेथ हुआ उन्होंने इंडिया पे काफी लिखा है उन्होंने ये बुक लिखा था दलित विजन इससे ये क्रैक हो जाता है ए का थ्री लेकिन अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बाकी सब बुक जो हैं वो उतने फेमस नहीं है लेकिन अब आपको याद कर लेने चाहिए जैसे ए का थ्री है तो बी का फोर है पिजन मूवमेंट इन इंडिया तो मिस्टर धांगारे ने लिखा है सी का वन है फॉरेन आइडेंटिटी जेंडर कम्युनिटीज एंड स्टेट ये जो है हसन ने लिखा है याद कर लीजिए एंड पंचायती राज पे जो है ये वेंकट ने लिखा है मतलब डिफिकल्ट है बट न ट्राई सांथानाम कमिटी बिल्कुल डिफर्ट नहीं है बहुत फेमस कमिटी है एंटी करप्शन कमिटी थी मतलब जो, जो सेटअप हुई थी 1962 में 63 में इन्होंने शायद अपनी रिपोर्ट दी थी तो अपॉइंट किया गया था 60. और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे सीवीसी 1964 में बना उन्नीस सौ चौसठ में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप ऑन द रिकेशन ऑफ तो सेम यही नाम कमिटी जो है उसके रिकमेंडेशन पे बनी जून 2013 पेपर टू ये लास्ट साइकिल डिस्कस करेंगे द अवधि सेशन ऑफ द कांग्रेस एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है कांग्रेस के पॉलिसी का नेहरू जी उस समय हेलम ऑफ आफ अफेयर में थे और कांग्रेस थोड़ी बहुत सोशलिस्ट तो थी लेकिन काफी आवाजें उठती थी कि हमें एकदम बिल्कुल डिक्लेयर करना चाहिए कि कांग्रेस जो है है सोशलिस्ट पे इकोनॉमी को ले जाना चाहती है। उसके लिए अवधि सेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें इसको स्पेल इस आउट किया गया था काफी लोग उस समय में नेहरू जी पे ये आरोप लगाने लगे थे कि नेहरू जी एक्चुअली जो है वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ कहते तो मिक्स है लेकिन कैपिटलिज्म के तौर तरीके से ही इंडियन इकोनॉमी को चला रहे हैं पार्था चटर्जी जिन्होंने की काफी इंडिया पे लिखा है इंडियन नेशनलिज्म एज डेरिवेटिव डिस्कोर्स द फ्रैगमेंट ऑफ ए नेशन नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स ये सब बुक लिखा है तो आप जान लीजिए इनके बारे में तो इन्होंने ये एक अरबिट क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं कि

ये एक्स होम सेक्रेटरी थे इन्होंने कहा कि इंडियन पॉलिटी जो है वो दूषित हो रही है क्योंकि एक नेक्सस है बिटवीन पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स एंड ब्यूरोक्रेट आप समझिए इसको कौन छुएगा हॉर्नेस्ट नेस्ट ये बोरा कमेटी रिपोर्ट ये आपको याद दिला रहा होगा पावर इलीट जो सी राइट मिल का था जहां वो कहते हैं मिलिट्री कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिशियंस का नेक्सस होता है नाइनटीन सिक्सटी थ्री कामराज प्लान वॉज इनिशिएहरू इनफैक्ट ये कामराज प्लान नेहरू के द्वारा कम के कामराज जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा जो है उस प्लान में ये था कि जो कांग्रेस के जो, जो पार्टी को स्ट्रेंथन करना है जो 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 लोग राज कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर है या जो मिनिस्टर है वो सब छोड़ के पार्टी का, का काम करें वो जनता के बीच जाए गांव देहात में जाए जनरल सेक्रेटरी बने तो ये एक मतलब कि उस समय में, में कांग्रेस ने अपने को फिर से एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने की एक और सफल कही की, एक असफल कोशिश है कि क्योंकि बार सत्ता का जब मजा मिलने लगता है तो कौन पार्टी फिर जो है गांव देहात में जाती है और कौन चीफ मिनिस्टर छोड़ करके और जनरल सेक्रेटरी और चेयरपर्सन बना चाहता है ह्यूमन नेचर है एवरी एवरी लाइक पावर तो उसको पलटने की एक कवायद थी सो so, इसमें आप इंग्लिश में तो रिवाइव कांग्रेस पार्टी कमिटमेंट्स कह सकते हैं ठीक है कह सकते हैं गिवन बिलो टू स्टेटमेंट एजर्सन ये है कि सेकुलर आइडियोलॉजी ऑफ द इंडियन स्टेट एपियर्स टू बी पैराडॉक्स पैराडॉक्स मतलब होता है आयरनी मतलब कि दो अपोजिट चीज एक ही साथ दिखे द सेकुलर आइडियोलॉजी ऑफ द इंडियन स्टेट एपियर्स टू बी पैराडॉक्स इन व्यू ऑफ द डीपली रिलीजियस ओरियंटेशन ऑफ इंडियन society the secular ideology of the Indian state appears to be a paradox in view of the deeply religious orientation of the Indian society take true hai. Indian India's secularism was invented for integrating the multicultural plurality of the society into a common nation state as well as for containing potentiality of the imperial divide and rule and Muslim League to nation Bahut lamba statement hai, Lekin, galat nahin, galat nahin hai. <coughs> इंडिया को यूनाइट रखने के लिए सेक्युलरिज्म एक जरूरी समझा गया क्योंकि नहीं तो फिर वही होगा जो आजादी के पहले हुई थी तो इसलिए इसको ठीक ठीक है 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 एक कहा जा सकता है। बहुत लंबा लंबा स्टेटमेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है इसमें तो आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए जितने बड़े फंक्शनरी हैं प्राइम मिनिस्टर से लेके गवर्नर तक वो

फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू इसमें जो स्टेटमेंट होते हैं बिना जाने हुए आप कह सकते हैं कि ये सही है क्योंकि बड़ा ही जनरल स्टेटमेंट है इसके गलत होने का क्या दुख है दोलिटिकल पार्टीज आर ऑडिटेड एनुअली ऐसा कुछ नहीं है इतना दूर तक पॉलिटिकल पार्टी आपको एक्सेस नहीं देगी इंडिया में या कहीं भी वो अपने को आरटीआई के दायरे में भी नहीं ले आए हैं पेड न्यूज़ इन कनेक्शन विद इलेक्शन तो आपको एक मिल गया रॉन्ग 2 तो जिसमें 2 है वही सही होगा तो दो ही में 2 है ये और ये तो आपने 50 50 गेम इससे खेल लिया अब इसमें 2 3 4 है और इसमें 2 3 है तो इसका मतलब 3 तो किसी भी तरीके से रॉन्ग है तो 3 को मत पढ़िए ये तो रॉन्ग हो गए कल देखिए कि फोर रॉन्ग है यानी वीडियोग्राफी ऑफ द पोल प्रोसीडिंग्स इनसाइड द पोलिंग स्टेशन इज परmissible तो ये परmissible है या नहीं है मुझे लगता है कि शायद अब चेक कर लीजिएगा मैं मेमोरी से मैंने देखा है इन दोनों में चेक कर लीजिए मेरी सलाह होगी आई एम बिट कंफ्यूज अबाउट दिस तो मैं आपको कोई रॉन्ग इसमें नहीं बोलूंगा चेक कर लीजिएगा लास्ट साइकिल है जून जून 2013 पेपर थ्री ये एकदम अर्बिट क्वेश्चन है अब थर्ड लोकसभा में कौन थे स्पीकर फिफ्थ में सेवेंथ अभी जो लोकसभा चल रही है वो सेवनटींथ लोकसभा चल रही है अब आप सात पीछे जाइए सो डिफिकल्ट इसका आंसर ए है जस्ट आप जान लीजिए मैच कर लीजिए लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो इजी है देखिए एक अर्बिट क्वेश्चन और एक सुपर अभी इसका जो स्टेट ऑफ ऑरिजिन राष्ट्रीय लोक दल जो है यूपी की पार्टी है RLD, अभी भी चुनाव में काफी एक्टिव है समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने कुछ अलायंस बनाया है जयंत चौधरी उसके लीडर हैं चौधरी अजीत सिंह जो चौधरी चरण सिंह के बेटे थे उनका डेथ हुआ है उनकी पार्टी है चौधरी चरण सिंह की पार्टी है किसानों की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल जो है हरियाणा में है आईएनएलडी uh, जो अभी शायद सत्ता में भी है बीजेपी के साथ में शायद चेक कर लीजिएगा तो इंडियन नेशनल लोक दल जो है हरियाणा की पार्टी है तो क्या इन दोनों से बन जाता है ए का वाओ तो एक ही से बन गया बाकी आप जस्ट मैच कर लीजिए वेरी सुपर इजी क्वेश्चन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब इंडिया एज वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट ये मैंने आपको बताया है कि पहले ही कि लोर्ड एंड सुजान रोडोल्फ ने अपने बुक में जो है इंडिया को एक ही साथ वीक एंड स्ट्रांग एक ही साथ कमांड एंड डिमांड पॉलिटी इन्होंने इंडिया जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको उन्होंने ब्लॉक काट ब्लॉक काट कैपिटलिज्म भी कहा है हु हैज कॉल्ड इंडियन इंडिया ए डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट स्टेट आप याद है अभी जस्ट उन्होंने देखा कि रजनी कोठारी ने कहा इंक्रीमेंटल डेमोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन और ये कह रहे हैं डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल स्टेट एक ही तरह की बात है ये जेम्स मैनर कहते हैं जेम्स मैनर ने भी इंडिया पे काफी लिखा है मैंने यहाँ पे कुछ बुक दिया है इसको देख लीजिए अब ये जो क्वेश्चन है वैसे देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है क्यों ये कहता है कि ये स्टेट है और इसमें जो रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब के वो कितने हैं उसको मैच कीजिए अब यहाँ पे देखिए कि जो सबसे बड़ा स्टेट होगा पॉपुलेशन में चूंकि ये पॉपुलेशन के बेसिस पे 7.5% परसेंट सीट रिजर्व होता है तो मध्य प्रदेश से इसमें कोई ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट तो है नहीं तो डी का थ्री और डी का थ्री जो है वो दो में है तो आपका इससे जो है फिफ्टी फिफ्टी गेम हो जाता है उसके बाद यदि दे आप देखेंगे पॉपुलेशन में तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है तो उसको पांच से मैच कर सकते हैं तो डी का ए का जो है वो टू होगा तो ए का टू A ka two, लेकिन इसकी जो है, वो बी है ना गिव आप इसको चेक कर लीजिए क्वेश्चन आई बिकम क्योंकि बहुत डिफिकल्ट इस टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना और ना तो अब करने की जरूरत है क्योंकि आपको यूजीसी नेट करने के लिए सेवेंटी परसेंट जस्ट लाना पड़ता है और 70 परसेंट में तो आप बहुत ऊपर चले जाएंगे 61, 62 परसेंट पे भी होता है और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मुश्किल से 10 से 15 परसेंट होते हैं तो क्यों इसके लिए मगजमारी करनी हुट्रिक नेशनलिज्म अब देखिए नेशनलिज्म पे वैसे तो यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन ये रिपीटेड है इसलिए उतना मुश्किल नहीं है एंथोनी डी स्मिथ नेशनलिज्म पे काफी लिखा है तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं और पॉली सेंट्रिक का मतलब क्या होता है पॉली मतलब होता है मतलब है है मेनी सेंटर सेंटर मतलब 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 कई ये जो जो इंडिया की नेशनलिज्म वो मोनोसेंट्रिक नहीं है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि ये कल्चर बेस्ड जो है वो नेशनलिज्म है या लैंग्वेज बेस्ड नेशनलिज्म है या रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म है ऐसा नहीं है ये मल्टीपल सेंटर है इसके क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल है मल्टीकल्चरल है मल्टी रिलीजियस है तो ऐसे में आप कोई एक सेंटर नहीं ढूंढ सकते हैं इंडियन नेशनलिज्म मल्टी सेंटर्ड है पॉली सेंटर्ड है तो यही स्मिथ तो बोलते हैं और उनका कहना है कि इस टाइप के नेशनलिज्म अफ्रीका में भी है साउथ एशिया में भी है और इसलिए इस टाइप के नेशनलिज्म को यूरोप के टेम्पलेट से कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहां पे बहुत सैकड़ों सालों में वो मोनोसेंट्रिक हो गया है एक लैंग्वेज एक रिलीजन एक कल्चर और एक नेशन अब यदि उस टाइप की यदि इंडिया में करने की कोशिश की जाएगी तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इंडिया कभी उस टाइप का नेशन के तौर पे रहा नहीं ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ये बुक आपको जानना चाहिए और इस जेंटलमैन को भी जानना चाहिए रामचंद्र गोहा ये अभी बहुत एक्टिव है एक बहुत फेमस हिस्टोरियन हैं, थोड़े लेफ्ट ओरिएंटेड हैं, तो गुहा के बारे में आपको चाहिए उन्होंने गांधी जी पे लिखा है द फाइव फाइव ईयर ईयर प्लान प्लान इन इंडिया आफ्टर मतलब मतलब ये कहने का मतलब है कि फर्स्ट कब लागू उसको फिजिकल प्लान ही बोलते हैं तो ये जो है आपको कंफ्यूजन इन दोनों में हो सकती है लेकिन ये यही सही है डिफिकल्ट है यहां पे आपको एक बार फिर बता दें कि प्लानिंग कमीशन ना तो स्टैचुरी बॉडी है और ना ही वो बॉडी थी और नीति आयोग जो उसका नया अवतार है वो भी एक जस्ट रिजोल्यूशन से बनी हुई है बस लीजिए नेशनल फॉर वुमेन इन इंडिया सो ओके डियर स्टूडेंट बिफोर आई से यू थैंक यू आप यदि काउंट करेंगे मैंने इसमें काउंट नहीं किया है तो आप देखेंगे कि मोर देन 70% जो क्वेश्चन है वो ई प्लस मीडियम मिल करके है तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यूजीसी नेट क्रैक करना आसान है मेरा ये कहना। है। उसका कारण यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए करीब 1100 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं हर साइकिल में तो ये बहुत मुश्किल नहीं है हाँ जे के लिए क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए सौ डेढ़ लोग करते हैं लेकिन वो भी उतना मुश्किल नहीं है जितना कि जेएनयू का पोलम कंप्लीट करना मुझे लगता है वो ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि वहां पे सीट केवल 40 है यहाँ एटलीस्ट 115 120 तो हैं इसीलिए लेसन क्या है कि आप खूब जम के तैयारी करें एक अच्छे गाइड से पढ़ें पास्ट ईयर पेपर देखें सिलेबस को अच्छे से करें लेकिन कॉन्फिडेंट रहें और टिप्स और ट्रिक डेवलप करें प्योर ब्रूट नॉलेज के बेसिस पे यूजीसी नेट जैसे एग्जाम कंपीट नहीं किए जाते मैं बार बार बोलता हूं आपको लगभग 50 परसेंट क्वेश्चन आना चाहिए 20 परसेंट जो है आपको अपनी बुद्धि से आएगा जो आप वहां पे शो करेंगे कौशल कैसे इलिमिनेट करेंगे कैसे पिक करेंगे कैसे गेस करेंगे कैसे मैचिंग गेम खेलेंगे कैसे जो है पकड़ेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है कौन जो है आउटलैंडिस या क्रूड है वो गलत हो सकता है कभी अपनी गट फीलिंग पे जाएंगे ये सब जब आप और ये कैसे आप डेवलप करते हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं इस तरह के प्रैक्टिस से जब आप तीन हजार क्वेश्चन यूजीसी नेट के देखेंगे और फिर दो तीन हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो छह हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जब आप जाएंगे जिसमें से तीन हजार क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन है तो आप एग्जाम रेडी होते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट करें और जो ये गाइड है ये इमेंसली आपको हेल्पफुल होगी वैसे मैंने लिखा था इसको एक जनरल गाइड के तौर पे लेकिन यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक नॉमिनल कॉस्ट पे है उसको जल्दी से पढ़ के और उसको दस बार पढ़ जाइए मैं इस बार कोशिश कर रहा हूं यूजीसी नेट के लिए अलग से गाइड लाने की आई डोंट नो मैं कर पाऊंगा कि नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज करनी है लेकिन एटलीस्ट ये गाइड तो है इसको इसका फायदा उठाइए और इन तरह से जुड़िए और मुझे लिखिए अपने डॉट्स लिखिए और जुड़े रहिए इस सीरीज में जिसको कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट में हम पार्ट थ्री लेकर के आएंगे डब्ल्यू मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और यह सिलसिला जो है तब तक चलेगा मे भी अगले एक महीने जहां की हम लोग घोषणा करेंगे कि हम लोगों ने 26 साइकिल जो है 3000 क्वेश्चन यूजीसी नेट के देख लिए ओके बी सेफ बाय सी यू सून विद सीरीज